बिग बॉस इज बिग बॉस एंड इट्स देयर। ये लग रहा था ये गाना सना के लिए बना है। तो गाने में तीन ट्रांजिशन किया है हमने, एंड आई लाइक एवरीथिंग। मुझे अब मैं हूँ अच्छी, तुमने क्या कैसे। स्वागत है आप सभी का टेली चक्कर पर। अफसाना जी, हमें पता है कि आपने बहुत ज्यादा गोल्ड पहना हुआ है, आप कितने करोड़पति हैं इस वक्त? मैं ऐसे अपने बारे बुरा नहीं बोलना चाहिए, मैं ब्लेस्ड हूँ, बस यही बोलूंगी। अच्छा, बात कर ले इस सॉन्ग की, तो मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। एक पहले आपका वो क्रेज आया, एक वो फेज आया, फिर उसके बाद नोरा सिस्टर्स ने वो नहले पे नहला आ गया, वो नोरा सिस्टर वाला सॉन्ग भी, मैं थारे पाँव की जूती ना। सो डू यू फाइंड एनी कॉम्पिटिशन जब ऐसा कोई आता है कि, या यू फील अ प्राउड कि म्यूजिक इंडस्ट्री इतना ज़्यादा खुल रही है, इतना एक्सप्लोर कर? पहली बात, मैं अपने आप को किसी के लिए कंपटीटर या कंपटीशन में नहीं मानती, क्योंकि ये सब कर्मों का गेड़ है। अच्छे कर्म करोगे और उसी के काम, मतलब हिस्से में अच्छे काम आएंगे, और सबने रोटी खानी है, और उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। सो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे साथ जो अच्छा आ रहा है, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी भाग्यशाली हूँ। जिनके साथ अच्छा आ रहा है मुझे खुशी होती है, मुझे किसी के साथ जेलसी या कंपटीशन नहीं होता। सर, आपसे जानना चाहेंगे, द मोमेंट यू रोट दिस सॉन्ग हमें पता चला, एंड देन यू आर डायरेक्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, और फिर आप उसमें फीचर भी कर रहे थे, कौन सा काम आपने ज़्यादा इन्जॉय किया, लिखना, डायरेक्ट करना या परफॉर्म करना साथ में? ये जो तुमने लास्ट में पूछ लिया ना, मैं कुछ और बोल नहीं सकता। गाना बनाना स्टूडियो में जब आपके पास कुछ नहीं है, वो एक अलग फन है। एक म्यूजिक वीडियो शूट करना, इट्स लाइक अ शादी अरेंज करना, 50-60-70 लोगों को संभालना, है ना, कैमरा अलग है, ये अलग है, वो अलग है। देन ऑब्वियसली उसी टाइम पे परफॉर्म करना, आई एम नॉट अ दैट ग्रेट परफॉर्मर, सना इज अ ग्रेट परफॉर्मर, तो इनके उस पे ही था हमारा सब। आई वाज द सपोर्टिंग रोल में, ठीक है, हाँ जी, तो हम इन पे ही वो कर रहे थे कि ये संभाल लेंगे स्क्रीन। और मैंने डायरेक्शन भी इंजॉय किया, क्योंकि मैंने वो पहली बार की, मैंने कभी म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट नहीं किया था, मैंने खुद से किया सब पहली बार। जो पहली बार चीज़ होती है वो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी होती है। फिर भी सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा, कौन सा काम सबसे ज़्यादा एंजॉय? मैंने सना के साथ परफॉर्म करना, काम करना, बहुत उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। अच्छा सना, कुछ तो कहो। क्या कहूँ, जिस तरीके से मैं हूँ अच्छी, तुमने क्या कैसे। No, but I think Nirman is a lyricist and ab unhone meri tarif ki, to it's a give back for him now. No, zaruri nahi hai. Nahi, it's gratitude what I have for you. But I think thank you so much. Maine thanks hi bol sakti hu, ki you know, keeping me in mind for the song. And ye director the, ye creatively dhyan rakh rahe the bahut sari cheezon pe, and you know, to uska outcome hum sab ne dekha, and it's a beautiful song. मैं अच्छी लग रही हूँ, ये कह रहे नहीं, बट इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया गाने में। ही वॉन्टेड टू शो दैट, जो कैरेक्टर हमने पोर्ट्रे किया था, ही वॉन्टेड टू शो वेरी सिंपल एंड यू नो, गाँव की लड़के, पिंड का लड़का, से आप लड़की ने खींच के क्लब में एंट्री करा दी, वो नाउ ही इज शॉक्ड। अगर आप उसको ध्यान से देखो वीडियो में, तो वो उसको एक दूध का गिलास देती है, तो जब देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, उसके हाथ में वो दूध का गिलास है। अगर वो टाइम जोन में भी कहीं गए हैं, देन वो जब आगे गए हैं, तो वो मेरा उतना था कि एक लड़का है बेचारा साउथ सा, जिसको छत पे बुला लिया गया है, और उसको फिर वहाँ से अलग दुनिया दिखाई जा रही है, तो वहाँ भी दूध का गिलास देखा। सना, व्हाट डू यू एंजॉयड अ लॉट, द वेस्टर्न पार्ट और द देसी वन? आई एंजॉयड everything. I think I like the boho also in the last, if you see the look. तो गाने में तीन transition किया है हमने, and I like everything. मुझे, मैं बहुत happy होके काम करती हूँ, so मैंने तो पूरा गाना बहुत enjoy किया, whether it's you know the पिंड की लड़की और the club की लड़की और the boho girl, I enjoyed thoroughly. अब सना, एक आपसे सवाल वो ये पूछ रहा है, आपको याद है बिग बॉस में आप थे और आपके साथ अक्सा थी, और वो आप दोनों ना किचन में काम करते हुए वहां पहुंच गए रूम रूम, और जो वो आलाप लगाया था आपने, दैट इज स्टिल वायरल, यू नो, तो उस वक्त बात करते हुए ना, आपको शायद याद नहीं है या है, कि आपने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स आवाज की रेंज को मैच नहीं कर पाते,
जब आप गा रहे हो, जिस स्तर पर जाकर आप गा रहे हो, तो वो मैच हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सना कितना ज्यादा मैच कर पा रही थी, उस आवाज को जस्टिस कर पा रही थी परफॉर्म? मुझे तो यही लग रहा था ये गाना सना के लिए बना है, बस इसीलिए परफेक्ट मैच हमारा तीनों का है। सो ये जो कोलैबोरेशन है या कॉम्बो है, ये बहुत अच्छा मैच किया है। ये गाने के अलावा जो हम अभी भी बैठे हैं बैक, मतलब है ना, गाने के अलावा अभी भी फिर भी हमारा बॉन्ड और बहुत अच्छा। मैं सोचती हूँ और पहले मिल जाते तो और अच्छा होता, पर ये गाना बेसिकली सना के लिए था। अच्छा, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि जब अफसाना जब गाते हैं तो उनका रेंज बहुत हाई होता है, तो जब वो हाई रेंज को परफॉर्म करना होता है तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था आपके लिए बतौर एक्ट्रेस? यार मैं एक बात बोलूँ, अफसाना का जो जॉनर, इफ़ यू सी अफसाना सॉन्ग, मैं उनकी फ़ैन हूँ, आई एम हर फैन, मतलब मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सो फॉर मी अफसाना का जॉनर और साधनी का जॉनर आप देखो तो थोड़ा डिफरेंस है। उन्होंने साधनी के साथ, मुझे ऐसा लगता है, यू एक्सपेरिमेंटेड समथिंग न्यू। सो आई थिंक उस थोड़ा कम हुआ रेंज, नहीं रेंज वही है उनकी, रीच उनकी, रेंज उनका सब वही है, बट इज जस्ट अ डिफरेंट जॉनर। इफ यू सी अफसाना या सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, नाउ बीट सॉन्ग, DJ vibe song, so vibe changing as she said, you know. And even in the song there are three variations, transition. Pehle it's like very romantic, then it goes to the club, then it goes to the little transi mode, so there are transition to it. Raps time, as the singer said. Main isme add karta hu ki jab ye gana Sana ne perform karna start kiya to wo inki voice inke upar bahut suit kar rahi thi. कई कई बार ना ऑड हो जाता है कि वो वोकल किसी सिंगर की अलग है और आर्टिस्ट के ऊपर नहीं जा रहा, तो वो बहुत। बट टेल मी वन थिंग, दिस इज नॉट माय प्लेस टू आस्क, बट अब मेरे को पॉप किया तो मैं पूछूंगी जरूर, बट वॉइस मैटर करती है एक पर्सनालिटी को स्टैंड आउट करने के लिए? बिल्कुल, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं उन पे वो देखा जाता है ना कि किसकी वॉइस सूट कर रही है। मैं एग्जैक्ट यही पूछना चाह रहा था, बट वो कहते हैं ना शब्दों की मर्यादा, मैंने इसीलिए मैं समझ गया था आपका सवाल। ये सूट कर रही थी गाने की, मैं एग्जैक्टली यही पूछा था, फिर मैं डायरेक्टली क्या मैं गा सकती हूँ। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप बॉम्बे आ सकते हो, आप ऑलरेडी बॉम्बे रहते हो। नहीं नहीं, बट मैं हमेशा अपने आप को बाथरूम सिंगर से भी वर्स समझती हूँ। आई थिंक माय वॉइस, उसमें मेरी हमारी भी मेहनत थी, हमने इनको गाना भेजा और मैंने बोला था कि प्लीज आप लिरिक्स रट के आना, और जब नहीं रटे हुए थे जहाँ जहाँ हमने रटवाए हैं कि ये लाइन है, और जहाँ आपको लगे कि नहीं कुछ कुछ मत करो, लैंग छोड़। अच्छा, एक एक आखिरी जो मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट खेलेंगे, वो ये कि दोनों जब बैठ रहे थे बात कर रहे थे, जैसा पिछले इंटरव्यू में भी हुआ, तो कभी ऐसा लगा कि दोनों बैठ के बिग बॉस वाइब दे रही हैं? क्यों, कभी ऐसा हुआ? नहीं, बिग बॉस इज बिग बॉस एंड इट्स देयर, वो तो घर की वाइब ही अलग है, उधर तो सबके नेचर ही कुछ और हो जाते हैं। किसको दिया, किसने दिया, किसने दिया, किसको दिया? ये तो मेरे को-एक्टर थे, मेरे डायरेक्टर थे, को-एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, सब कुछ यही थे, तो आई थिंक इनसे पूछते हैं। नहीं नहीं, बहुत, she was very supporting, I am happy. अच्छा, tell me one thing, देख रहे हो अभी वाला बिग बॉस? देख रहे हो? थोड़ा बहुत आंखों के आसपास आता ही होगा, प्रोमो स्वाइप कर रहे थे, अरे इतनी नफरत, अरे क्या नफरत? नहीं है, देखते नहीं है, टाइम ही नहीं है, कौन देखे? ये जो रिवर्स ट्रोलिंग हुई है मेरी, she is enjoying this. आप नहीं देख रहे हो? नहीं, मैं वो एक घंटे वाला एपिसोड्स नहीं देख पा रही, बट मैं थोड़ी बहुत स्निपेट इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ। यार देखो, नो कमेंट्स, आई फील इट्स टू अर्ली टू से से अबाउट इट, मैंने देखा नहीं है शो, तो मे बी बाय द एंड आई थिंक आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से हुज जर्नी इज बेटर।